बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सब कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाऊं। लोन नहीं लेना चाहता भाई अगर बिजनेस नहीं चला तो, बट अगर बिना या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए तो, जानेंगे इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड फ्रीडम ऐप चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। So, पहला तरीका जिसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग मनी वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, ये क्या फैंसी वर्ड्स बोल गई तनु, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। आजकल छोटे बड़े सभी बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है, राइट? और उसके लिए उनको हर एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन पहुंचाना होता है ताकि उनकी रीच बढ़ सके। अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन है तो ही वो हिट है, मार्केट में उनका प्रोडक्ट सर्वाइव करे। अब इसके लिए उन्हें डिजिटल मार्केटर की जरूरत होती है जो SEO देखते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, पेड एड्स चाहे वो YouTube पे चल रही हो या फिर Google पे, उन सब चीजों पे वो चेक रखते हैं। बेसिकली हर कोई अपने प्रोडक्ट को हिट करना चाहता है और चाहता है कि मैक्सिमम लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंच सके, और उसके लिए वो मदद लेते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस की। सो आप ये सब स्किल्स सीखकर बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। बिजनेसमैन बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, इनफैक्ट वो रेडी होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को टॉप नॉच बनाने के लिए। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स की मदद से उनके ब्रांड्स को हिट बना सकते हैं और खुद भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जहां ऑनलाइन कंसल्टेशन देके आप डिफरेंट सेक्टर्स में घुस सकते हो। इंटरनेट पे देखो वैसे दो तरीके के लोग मौजूद होते हैं। एक कैटेगरी होती है जो घंटों रील्स देख के टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं पे नॉलेज के भूखे लोग भी मौजूद हैं जो हर जगह से सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूट्यूब पे आए हैं, यहाँ से कुछ स्किल्स सीखिए, यहाँ से कुछ नया सीख के जाइए। आज के डेट में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स के बेसिस पे। अपने स्किल्स पे आपको काम करना है और वही स्किल्स को कंपनीज को प्रोवाइड करना है, बिजनेसेस को ऑफर करना है और उनसे हैवी अमाउंट चार्ज करना है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज चाहे हेल्थ सेक्टर में है, मार्केटिंग में है, या फिर आप एजुकेशन में एक्सपर्ट हो, तो आप लोगों से पर कंसल्टेशन पैसे चार्ज कर सकते हो। जहां लोग आज की डेट में, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सिंगल कंसल्टेशन के 10,000 से 20,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे सकते हो जिसके लिए आपको किसी ऑफिस को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। नाउ तीसरा तरीका है उन सभी प्यारी प्यारी लेडीज के लिए जिन्होंने करियर ब्रेक लिया था और अब वो दोबारा से कुछ रीस्टार्ट करना चाहती हैं और एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहती हैं, वो है होम कुक्ड फूड या फिर क्लाउड किचन खोल के। यानी कि बिना डाइनिंग फैसिलिटी बट ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने खाने को लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, घर का खाना किसे अच्छा नहीं लगता, आई एम श्योर आप भी यही बोलेंगे कि सबको घर का खाना पसंद है। तो आप अपना खाना हॉस्टलर्स हो गए या फिर जो ऑफिस जाते हैं लोग, उनको प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें आप मील सिस्टम रख सकते हैं, जैसे थाली सिस्टम रखिए, स्वीट्स रखिए, स्नैक्स को भी ऐड कीजिए ताकि आप मैक्सिमम लोगों को टारगेट कर सके। फोर्थ तरीका है ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स बनके। देखिए, आप इस बात से अग्री करेंगे कि आज के डेट में कंटेंट जो है वो बादशाह है, उसको बोलते हैं कंटेंट इज द किंग टुडे। अगर लोग कंटेंट देख रहे हैं तो लोग कंटेंट बना भी रहे हैं, और उन्हें एडिट करने के लिए एडिटर्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है। ये वीडियो भी किसी ने एडिट की है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, तो सिर्फ देखिए मत, सोचिए भी साथ साथ। और वैसे ही ग्राफिक डिजाइनर्स की भी डिमांड इतनी बढ़ गई है जब से दुनिया सोशल मीडिया पे रहने लगी है। इंडिया की पॉपुलेशन आप सोचिए, जिसमें हर कोई आज की डेट में एक यूट्यूबर बनना चाहता है, एक यूट्यूबर बनने का ख्वाब देखता है या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है इंस्टाग्राम पे। हर कोई अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, हर कोई अपने बिजनेस को दूसरों से आगे रखना चाहता है। ग्राफिक डिजाइनर्स आपके ब्रांड को अलग करते हैं दूसरों से, इसकी भी डिमांड बहुत है। सोच के देखना है इस बिजनेस आइडिया को, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा स्किल बेस्ड काम है और बहुत ही अच्छी कमाई आपको करके दे सकता है। इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि नॉलेज की जरूरत है इस बिजनेस में भी। तो अगर आप में ये स्किल है, अगर आप इस स्किल को और ज्यादा फ्लरिश करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज है, वहां से देख के भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। फिर लास्ट बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। लोकल हैंडीक्राफ्ट की हमारे देश में इस वक्त धूम मची हुई है। इतने सारे टैलेंटेड आर्टिसंस, कारीगर्स हैं जो सिर्फ कला जानते हैं, लेकिन
लेकिन उसे बेचना कैसे है उसके लिए उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो आप उनकी मदद करके उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे आप दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, यानी कि वो आपको देंगे अपना स्किल, अपना टैलेंट, और आप अपना स्किल और टैलेंट यूज करेंगे उसको ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, उसे बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये फायदा दोनों को कराकर जाएगा। तो अगर आपके पास हाथों से बनाई हुई ज्वेलरी आप बेचना चाहते हो, या फिर पॉट्स बेचना चाहते हो, या फिर अगर आपको कोई ऐसा आर्टिसन या कारीगर मिलता है या पेंटर मिलता है जिसकी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, सो उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और उसमें अपना कमीशन भी रख सकते हैं। जहां आप अपनी ऑनलाइन स्किल्स को लेके आएंगे वहीं पे वो अपने आर्टिस्टिक होने के स्किल्स को यूज करेंगे। सो एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, ये हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस की इतनी ज्यादा डिमांड है, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे एक पूरा कोर्स है कि कैसे आप यू नो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इस बिजनेस में इसीलिए भी इतना ज्यादा पैसा है क्योंकि इसको ग्लोबली भी आप पहुंचा सकते हैं, यानी कि जो दूर बैठे लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज हैं, उन तक भी आप अपने हाथों की कला पहुंचा सकते हैं। कैसे करना है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे मेंटर ने कोर्स में पूरी डिटेल से इसे अच्छे से समझाया है। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को बारीकी से आप समझ सकते हैं और अपना बिजनेस हैंडीक्राफ्ट में स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जीरो या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया को जरूर चुनेंगे। तो मैं तो आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें, एंड फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।